हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो पोस्ट अभी छूटे हैं केपीडब्ल्यूडी में कर्नाटका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, जिसमें 990 पोस्ट हैं असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के, ये पोस्ट के बारे में मैं आपसे कुछ थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, इसके अंदर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ये एग्जामिनेशन डेट कब आने वाली है इसकी ये बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा सिलेबस आपको प्रेफर करना चाहिए, और ऐसी ही रिलेटेड कुछ बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिना स्किप करिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कर्नाटका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो 990 केपीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स के जो पोस्ट की वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर सबसे डिटेल क्लैरिटी में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो असिस्टेंट इंजीनियर है जो डिवीजन वन में आते हैं वो ऑलमोस्ट 600 रेसिडेंशियल है और हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 60 पोस्ट है। और अगर हम चलते हैं जूनियर इंजीनियर की तरफ तो वहां पर 325 पोस्ट दिया हुआ है रेगुलर में, और 300 सिर्फ 5 पोस्ट है HKE रीजन में। तो ऐसे कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो जो रेसिडेंशियल कैडर, रेसिडेंट कैडर है और रेसिडियल जो कैडर है उसके अंदर आते हैं 925 पोस्ट, और हैदराबाद कर्नाटक रीजन में आते हैं 65 पोस्ट। अगर आप दोनों की क्वांटिटी मिलाएंगे तो आपको आ जाएगा 990। तो ये 990 पोस्ट है, और जो इसके अंदर देखिए आप जो दो कैटेगरीज दिए हुए हैं, अब हम जानते हैं ये दोनों कैटेगरीज का क्वालिफिकेशन क्या है। पहला जो दिया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर, दूसरा जो दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर। देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड हैव ए बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री, BE चाहिए, एक फुल टाइम कॉलेज से रेगुलर हो, AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो या VTU हो, जो भी हो इट शुड बी अप्रूव्ड एंड रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, फर्स्ट कंडीशन है इनका। और जैसे कि हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या इसको, शॉर्ट टर्म जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, वो लोग नहीं कर सकते। ओनली रेगुलर, जो भी रेगुलर है, जैसे नाइट कॉलेजेस में कर रहा है, रेगुलर है तो ही कैन ऑल्सो अप्लाई, बट डिस्टेंस हो या जो लोगों ने बैकडेट में सर्टिफिकेट लिया हो, ऐसे लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम दूसरे जूनियर इंजीनियर की तरफ। जूनियर इंजीनियर सिविल का इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया, क्या बैकग्राउंड है इसका? यहां पर आपको चाहिए डिप्लोमा फुल टाइम या डिग्री फुल टाइम, जूनियर इंजीनियर का ये रिक्वायरमेंट है। और सेम जैसे इंजीनियरिंग में है वैसे ही उसी तरीके से यहां पर भी आपको रेगुलर, यानी जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जो पढ़कर पास होते हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अब पढ़कर पास होने से क्या कनेक्शन है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस से जो होम एग्जाम देते हैं, डिस्टेंस से जो पढ़ाई करते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि फुल टाइम कोर्स मांगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे फुल टाइम एजुकेशन, जो भी पढ़े हैं, फुल टाइम लर्न किए हैं, वो लोग को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सहूलत दी गई है। तो इसके अंदर इसका जो एज रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिटेल में कि नोटिफिकेशन नंबर दिया है, और इसका जो लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन नंबर के साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर इसका जो है सो है ना, हाँ अब चलते हैं यहां पर हम कि ये अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जा सकते हैं, और वहां लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये पोर्टल पर चला जाएगा। वहां पर आप जाकर उसको अपना नाम एनरोल कर सकते हैं और डिटेल्स दे देंगे पूरे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहां पर इसकी जो डेट स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन की, ध्यान दीजिएगा, 17/8/2020 यानी 17 तारीख 8वां महीना 2020 को इसकी डेट स्टार्ट ओपन होने वाले हैं एप्लीकेशन, ऐप ओपन हो जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को भर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट जो दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 16/9/2020 यानी 16/9/2020 रात के 11:45 रात के 12:15 बजे तक, यानी 19 16/9/2020
रात 11:45 तक ये एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा, इसमें आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में जो फीस होगी, जो फीस आप ई चालान करोगे या पोस्ट ऑफिस में चालान भरोगे, उसकी जो डेट होगी 18/9/2020 को इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसमें फीस जमा कर सकते हैं। 18 के बाद आप इसका चालान नहीं भर सकते, आप इसमें फीस जमा नहीं कर सकते। अब इसके अंदर यहाँ और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं ये करना चाहूंगा कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और साथ ही फीस एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक सेम इसी तरीके से पहले भी एग्जाम हो चुका था, पहले भी एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे 2018-19 में, और जो 7/3/2019 को निकले थे। तो ये जब जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन निकल के आ रहा है, ये आप भी आप ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों इसके अंदर सिलेबस की बात अगर हम करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ सिलेबस के ऊपर कि कौन सा सिलेबस रहेगा, इसको कौन से सिलेबस को हमको रेफर करना चाहिए, मॉडल पेपर्स क्या रहेंगे, कौन से पेपर्स रहेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक। तो दोस्तों इसके अंदर सिलेबस क्या होगा, किस तरीके का सिलेबस दिया जाएगा और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स क्या रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होगा, क्या मॉडल होंगे, यानी आपको ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं मेरे आने वाली वीडियो में। तो एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने समझा कि वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूं इस बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, जो भी यूजफुल बातें हैं सभी को मालूम पड़े। और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक पूरा गलत हो गया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो और आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा इसका, कौन से क्वेश्चन पेपर्स है इसमें और एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है या ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर कट ऑफ रेशियो क्या होने वाला है और कौन सी कैटेगरी के, कौन से कास्ट के, कौन सी कैटेगरी के लोगों को कितना कितने सीट्स दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको मेरे आने वाले एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपके सामने ओपनली रखूंगा कि कौन सा इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आपको क्या, कौन से नोट्स रेफर करने चाहिए, कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम अटेंड करने से पहले। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हिट द बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि अगला वीडियो जब आए मेरा सिलेबस को लेकर और ग्रेड वाइज कैटेगरी को लेकर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।